नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पुलिस को मिली सफलता की। थाना किसनी क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व मिली नरमुंड के मामले का सर्विलांस और स्वाट टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की है। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम बरुआ नदी में 9 अक्टूबर के दिन एक नर खोपड़ी का कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने इस मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस और स्वाट टीम समेत 5 टीमों का गठन किया था और सर्विलांस टीम के तेज तर्रार प्रभारी जोगिंदर सिंह व उनकी टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए स्वाट टीम को साथ लेकर इस नरकंकाल खोपड़ी के मामले का अनावरण कर दिया है। सर्विलांस व स्वाट टीम ने मामले का खुलासा करते हुए सर्वेश कुमार पुत्र राम सनेही निवासी बरुआ नदी थाना किसनी व संतोष कुमार पुत्र साहब सिंह निवासी नगला परसादी थाना विधुना जनपद पौरैया को मुखबिर की सूचना पर उस समय गिरफ्तार किया जब वह खेतों में बनी झोपड़ी में छुपे बैठे थे। जैसे ही यहां पुलिस ने छापेमारी की, वैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि जो खोपड़ी का कंकाल मिला है वह पूती देवी पत्नी स्वर्गीय जलसाराम निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर थाना भरतना जनपद इटावा का है। सर्वेश ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि पूती देवी उसकी दूर की चाची लगती थी और उसका पति करीब 6 वर्ष पूर्व मर चुका था। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के मकसद से 3 वर्ष से वह भरतना में रह रही थी। यह बात उसे पता थी कि वह गरीब है और उसे पैसे मकान की जरूरत है। साथ ही उसके मामा संतोष यादव की भी पत्नी 3 वर्ष पहले मर चुकी है। पूती देवी से संतोष की शादी कराने के उद्देश्य से उसने इस योजना को बनाया था। योजना के तहत 20 सितंबर को सर्वेश और संतोष पूती देवी के पास गए और उसको आवास व नगद रुपए दिलाने का झांसा देकर उससे 4,000 रुपए आधार कार्ड और फोटो लिए और साथ चलने के लिए कहा तो पूती देवी उसके साथ चली आई। सर्वेश और संतोष पूती देवी को लेकर परुआ नदी खेत पर आ गए। यहां जब पूती देवी ने देखा तो पूती देवी भड़क गई। उसने इस बात का विरोध किया कि उसे विकास भवन की कहकर यहां कहां लेकर आया गया है। तब सर्वेश ने उसे संतोष से शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन पूती देवी ने उसका विरोध कर दिया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों ने उसका गला दबाकर पहले उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए उसके सब के कई टुकड़े किए और अलग अलग क्षेत्रों में गाड़ दिए, लेकिन किसी तरह पूती देवी की खोपड़ी जमीन से ऊपर आ गई जो पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए यह भी बताया है कि सर्वेश कुमार ने 5 मई के दिन अपनी वृद्ध माँ को जलाकर मार दिया था। इस मामले में सर्वेश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। पूरे घटनाक्रम का अनावरण करने वाली पुलिस टीम की पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सराहना की है और दोनों हत्यारों को लेखा पड़ी करने के बाद जेल भेज दिया है। पूरा मामला क्या था और आज आप खुलासा कर रहे हैं? ये थाना किसनी क्षेत्र जनपद मैनपुरी का मामला है। इसमें विगत 10/11 अक्टूबर की रात में बरुआ नदी गांव के खेतों में एक नरमुंड मिला था, जिसको उनके ही देवर मिथिलेश यादव आए थे, जो ये दावा कर रहे थे कि वो उनकी भाभी का है। ये पूछा जा रहा था पुलिस के द्वारा कि आपको कैसे यकीन है, तो वो इस बारे में यकीन नहीं उनको था कि ये उन्हीं का नरमुंड है। जानकारी करने पे पता चला कि ये महिला, जो कथित महिला पूती देवी का नाम आया है सामने, वो इटावा के भरतना इलाके में पिछले 3 साल से किराए पे रह रही थी, अपने 2 लड़कों को पढ़ा रही थी और वो 20 सितंबर के दिन वहाँ से एक सर्वेश यादव नामक व्यक्ति के द्वारा ले जाई गई थी। ये जानकारी थी और वो खोपड़ी हमारे पास थी। इन सारे क्लूज को इस्तेमाल करते हुए हमने काम इस पे शुरू कर दिया था। इसी दरमियान मिथिलेश यादव यहाँ पे आए थाने पर, उन्होंने मुकदमा लिखवाया। उनको पूरा भरोसा है कि वो खोपड़ी उनकी भाभी की है और सर्वेश यादव और संतोष यादव, ये 2 लोगों का नाम उन्होंने लिखवाया जिन्होंने उनके भाभी का अपहरण करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इस मुकदमे के बाद हमने स्वाट, सर्विलांस और हमारे जनपद की तेज तर्रार पुलिस टीमों का गठन किया। 5 टीमों का
गठन करके उनको काम पे लगाया था। टीमों ने दिन रात मेहनत किया और सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए, सूचना मिली मुखबिरों से, हमने सर्वेश यादव और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया, मृतका का कंगन बरामद किया गया है, मृतका का आधार कार्ड भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है और ये सिद्ध हो गया है कि इन लोगों ने ही मृतका पूती देवी को गायब किया, उनकी हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, उसके 13-14 टुकड़े करके उसको जगह जगह स्थानों पे ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। उन्हीं टुकड़ों में से एक खोपड़ी किसी तरह से बाहर आई थी और पुलिस के हाथ लगी थी। इस क्लू पर, छोटे से क्लू पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पूछताछ में बातें जो सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। ये जो मुख्य अभियुक्त सर्वेश यादव है, ये करीब करीब 40 वर्ष का युवक है और यह 19 साल का जब था तभी से ये मर्डर का काम कर रहा है। लोग बता रहे हैं कि 19 साल की उम्र में ही एक महिला का इसने कत्ल किया था जो यह अहमदाबाद से लेकर के आया था, लेकिन उस मामले के बारे में क्या हुआ आगे कोई बता पाने में असमर्थ है, वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाया। इसके अलावा थाना सौरिख क्षेत्र में इसके 5 से ज़्यादा अपराध दर्ज पाए गए हैं। मैनपुरी जनपद में भी विगत 5 मई को उसने अपनी माँ को जला करके मार दिया था, उसका मुकदमा लिखा गया, उसमें वांटेड था, उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। आज हमारे किशनी पुलिस स्वाट और सर्विलांस सभी टीमों ने मिलकर के मुठभेड़ में इन दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक तरह से एक साइको किलर के रूप में सामने आया है, हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम देता है और इस तरह के अभी तक के टोटल इस पर 11 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं और जानकारी के मुताबिक 4 से ज़्यादा ये हत्याएं कर चुका है जिसके मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। बाकी इसके जो दूसरा अभियुक्त है ये इसी का सगा मामा है जिसका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है और इसके जेल जाने से निश्चित रूप से इलाके में जो भय का माहौल है वो ख़त्म होगा और साथ ही साथ इसका आगे का भी पूरा इतिहास हम लोग तलाशेंगे और इस हॉरर किलर या साइको किलर जो है इसको सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अभी आगे जो खोपड़ी का पोस्टमार्टम हुआ था उससे जो DNA प्रिजर्व किया गया है उससे DNA मिलान की कार्रवाई आगे की जाएगी ताकि साक्ष्य और भी मजबूत हो सके। इसके अलावा इनके कब्जे से असलाह और कारतूस भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इन दोनों कुख्यात हॉरर किलर साइको किलर्स को आज पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस टीम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। आगे भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में ला करके इनको सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। ये सीरियल किलर थे ये? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बात ये सामने आई है कि ये पहले झांसा देते थे उस महिला को पूरी तरह से बहकावे में लेकर के, उनसे आवास, सरकारी आवास दिलाने, नकद रुपया दिलाने इत्यादि के बहाने इनको ले जाते थे और न केवल उनसे रुपया ऐंठते थे यानी 420 का अपराध करते थे बल्कि इनको जब वो अपने घर से दूर सुनसान जगह पर ले जाने में सफल हो पाते थे तब इनको उसी बरुआ नदी गांव के या आसपास ला करके अपने इलाके में रात के समय ये उनकी हत्या करते थे और हत्या करने के बाद उसके शरीर के जो इनको छोटे मोटे आभूषण है जो भी मिलता था उसको चुरा लेते थे, ले लेते थे, उसके बाद उसके टुकड़े करके और जगह जगह साक्ष्य को नष्ट करने के मकसद से इसको जगह जगह गाड़ देते थे, नष्ट कर देते थे ताकि कोई सबूत शेष ना रह जाए और ये पुलिस की पकड़ से बचे रहे। वही सर, जानकारी में आया कि ये साइको किलर जो था हत्या करने के बाद अपनी झोपड़ी के पास खेतों में पेड़ उगा देता था। ये भी सामने आया है, पूछताछ में बताया है इसके मामा ने, जो साइको किलर सर्वेश यादव के मामा संतोष यादव ने बताया है कि कभी कभी इसने चर्चा किया था कि कुछ ऐसे मामले इसने किए हैं और लाश के टुकड़े करके नीचे दफनाने के बाद ऊपर कुछ पेड़ इत्यादि भी लगा दिए हैं, गन्ने की फसल बो दी है, इस तरह की बातें भी उन्होंने बताई हैं जिसका हम आने वाले समय में
मशीनों से जेसीबी इत्यादि से आगे हम खुदाई भी कराएंगे, देखेंगे कि कुछ और इस तरह के मामले तो वहाँ पे नहीं दबे। इस अपराध में और भी शामिल है कि यही मामा भांजे हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही नाम सामने आए हैं, बाकी अभी जो विवेचना हमारी चूँकि जारी है और हम इसमें देखेंगे कि क्या इनको कोई सहयोगी तो नहीं है और इस साजिश में कोई इनका साथ तो नहीं देता है, तो उस बिंदु पर अभी विवेचना हमारी जारी रहेगी। तफ्तीश हम जारी रखेंगे और पता लगाएंगे, जो भी इसमें होगा उसको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाकर।